अजमेर में भगवान शिव की सवारी निकालने की अनुमति लेने पहुंचे विधायक को अजमेर एसपी ने लताड़ लगाई और आवाज नीचे करके बोलने की भी नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि कल शिव की सवारी निकालने की अनुमति लेने के लिए एसपी के पास पहुंचे थे विधायक वासुदेव देवनानी व भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के धार्मिक काम में भेदभाव की बात कही है और यह भी कहा कि सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। वहीं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने एसपी के बर्ताव की कड़ी निंदा भी की। कार्यक्रम रखने का समिति ने परमिशन मांगी और उसका रूट भी दे दिया कि हम जो है अपने घसेटी बाजार से लेकर के नल्ला बाजार मदार गेट होते हुए और चूड़ी बाजार से होते हुए नया बाजार के गणेश जी के मंदिर तक जाएंगे। इनको परमिशन के लिए पहले तो अटकाते रहे, फिर जब इनको परस्यू किया तो कल शाम को इनको परमिशन के लिए डिप्टी ने जाके मना किया। जब मैं आज कल विधानसभा से आया और आज हम लोगों को इन्होंने जानकारी दी, मैं एसपी साहब से मिलने गया। मैंने कहा कि इसके आप परमिशन दे दीजिए। इन्होंने कहा मैं किसी नए काम के लिए परमिशन नहीं दूंगा। मैंने कहा नए काम के लिए दूसरों को तो देते हो, केवल हमको ही नहीं दोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इन्होंने पिछले दिनों अपने जो नई सड़क है उससे इन्होंने कार्यक्रम के करने के लिए एक समुदाय को परमिशन दी है और आज आप हमें नहीं दोगे। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर, आपने कहा डीजे नहीं लगाना, हम डीजे नहीं लगाएंगे, आपसे अनुमति लेंगे, आपके नियमानुसार चलेंगे और आपको कुछ करना है करिए। लेकिन उसकी तुलना में वहाँ पे बातचीत करते समय उग्र हो गए और मेरे को कहते हैं आप धीरे बोलो। इस तरह का अपमान जो उन्होंने आज एक जनप्रतिनिधि का किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम इस विषय को आगे तक ले जाएंगे और इस विषय का समाधान करेंगे। अच्छा, ये जो आपने अभी बताया, एसपी साहब ने आपको क्या कहा कि धीरे बोलो, क्या बात चल रही थी? बात इसी समिति की परमिशन चल रही थी, वो कह नहीं दूंगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं दोगे, हमको कन्विंस करो ना, हमको कन्विंस करो, कोई कारण है हो तो बताओ, किस कारण से नहीं देंगे? फिर क्या बोला उन्होंने? कोई कारण उनके पास नहीं कि वो नए कार्यक्रम के नहीं देंगे। नया तो कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी, नई कोई परंपरा नहीं होगी। आपको उसके अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर देना है। लॉ एंड ऑर्डर भंग करें तो आपका अधिकार है उसको रोकने का। जब लॉ एंड ऑर्डर की परमिशन नहीं है तो फिर आप कैसे कहेंगे हम नहीं देंगे? सरकार के दबाव में क्या पैसा? हाँ, मुझे लगता है कि ये सरकार के, जिसमें गहलोत सरकार के तुष्टिकरण के चलते हुए इस प्रकार का हमको कार्यक्रमों की परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये उनके दबाव में है। लेकिन ये दबाव अब मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार के ये दिन नज़दीक आ रहे हैं और हम लोग भी जनता के बीच में जाकर के जनता इसका अपने आप चुनाव में इसका परिणाम दिखाएगी। अच्छा अध्यक्ष जी बताएं, जनप्रतिनिधि क्या? देखिए, निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है कि जो परमिशन हम शांतिपूर्वक लेने गए और जिस प्रकार का बर्ताव एसपी साहब ने किया और विशेषकर जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का बर्ताव के किसी अधिकारी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जिस पोस्ट पर हैं, आज पुलिस अधीक्षक की पोस्ट पर हैं, उनको बहुत सामंजस्य के साथ और बहुत संतुलन के साथ अपनी बात रखनी होती है। और लेकिन जिस प्रकार का बर्ताव उनका रहा, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है, हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। और स्पष्ट हो गया कि ये जो अशोक गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार, हिंदू विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से लगातार पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से हिंदू विरोधी इन्होंने काम किए, जिस प्रकार से हमने देखा कि रामनवमी पर पथराव करने वालों को प्रश्रय मिला, जिस प्रकार से कन्हैयालाल के हत्यारों को जिस प्रकार से आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, जयपुर के दंगों को जिस प्रकार से छोड़ने के तरह से सरकार की जो ढिलाई दिखी वो स्पष्ट आई। और आज अजमेर के अंदर भी जब एक बहुत प्राचीन मंदिर की हम उस महादेव की शोभा यात्रा, नगर यात्रा निकालना चाह रहे हैं, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने अड़िकतापूर्वक जिस प्रकार का रवैया इनका रहा है कि परमिशन नहीं दी जाएगी, तो फिर दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में आप बिना परमिशन कैसे निकाल सकते हैं? ये इस बात का कोई जवाब देते हैं एसपी साहब से बना नहीं। और अपनी जिसे कह सकते हैं कि भड़ास निकालने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से हमारे विधायक साहब से बात की, निश्चित रूप से उसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी। क्या शब्द थे एसपी साहब? उन्होंने कहा था कि विधायक साहब आपकी आवाज़ नीचे रखें, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। एक जनप्रतिनिधि है, कोई सामान्य लेमैन नहीं है। आज किस तरह का आंदोलन रहेगा? निश्चित रूप से हमने कलेक्टर साहब से ही बात की, कलेक्टर साहब ने भी अनुमति देने के लिए मना किया। अब जो भी है इसमें समिति तय करेगी, इस अजमेर का हिंदू समाज तय करेगा कि क्या करना है। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए
पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।